वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए, जो कि नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं या बहुत टाइम के बाद आए हैं, आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लीज उसको जरूर सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो आप वीडियो में क्या देख या सुन रहे हैं या ये रीडिंग किस तरह की रहने वाली है। और साथ ही साथ पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापिस आए हैं, इस परिवार में का रेगुलर वॉचर हैं आप, तो थैंक यू सो वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में देख रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेकिन इस बात को हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन क्या है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आप जमाइकल क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ये रीडिंग बहुत बड़ी नहीं बना रही हूँ मैं, ऑल्दो यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो अभी आप किसी चीज को समझ नहीं पाए हैं, या अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके इंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हर चीज़ का एक कारण होता है, और अगर आप पजल्स के पीसेस नहीं जोड़ पा रहे हैं या फिर अगर आपको मिले नहीं है, कुछ समस्याएं, कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि किस बात का क्या कारण था या कारण। थैंक यू सो मच। आई एम हेयर हेल्पिंग यू। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर आपके लिए स्पिरिट गाइड का काम करते हैं या कर रहे हैं, और आपको रास्ता दिखा रहे हैं ताकि आप सही रास्ते पे चल सकें, या फिर आप सही जो साइंस है उनको ले सकें, या फिर आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। होप नहीं खोनी है, आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी होप बना के रखें, और आप हमेशा ही उन चीजों पर फोकस करें जो कि आपको जॉय देती हूँ। ठीक है, वी आर सोलमेट्स। तो आपके जो इस वक्त आपके जो भी एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं वो आपके हार्ट के बहुत ही क्लोज हैं, और काफी लॉन्ग टाइम से आपके साथ में रहे थे या रहे हैं। आप या तो हमेशा ही गाइड करते रहे हैं, या फिर हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करते रहे हैं, या फिर हमेशा ही आपकी सोल फैमिली का बहुत ही क्लोज हिस्सा रहे हैं। देर इज नो टाइम वेयर आई एम, टाइम इज ऑनली ऑन द अर्थ। तो जहाँ पे अभी आपके सिस्टर हैं वो कहना चाहते हैं कि समय नहीं है यहाँ पे, और समय जो होता है केवल अर्थ पे होता है। तो आपकी जो भी एंसेस्टर हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, आप इन्हीं की कॉपी हैं या ट्रू कॉपी हैं, इनकी आप सच में इनकी छाया हैं। आप इन्हीं की तरह के हैं, ये आपको अपनी तरह का ही मानते हैं, इसलिए आप और ये सोलमेट हैं। या फिर आप अपने परिवार में उस तरह का हिस्सा हैं जो जो कि जिनको ये अपने बहुत क्लोज मानते हैं, क्योंकि आप में इनको अपनी छाया नजर आती है, या फिर आप इनके अधूरे सपने पूरे कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे आपको गाइड भी कर रहे हैं, और आपके साथ में जो अदर सोल फैमिली है आपकी, उसके साथ में भी है, और आपके साथ साथ ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके जो अदर सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, इनकी आप जो सेफ फैमिली का हिस्सा है, एक ब्लड लाइन का ही, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको भी वॉच करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि ये कोई बड़े हैं आपके। आई एम सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव। तो ये आपके एंसेस्टर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कभी कभी आप जब उनसे मदद मांगते हैं और वो आपकी मदद नहीं कर पाते, ये आपको उस तरह से मदद नहीं कर पाते जिस तरह से आपको मदद करनी चाहिए, तो वो उसके लिए आपको सॉरी भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीजों में, कुछ चीजें जो आप नहीं समझ पाते हैं, और आप ये कहते हैं कि मेरी मदद करो, आप मदद के लिए बार बार गुहार करते हैं, या आप पीड़ा में होते हैं, या वो आपको पीड़ा में देखते हैं, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका कारण होता है, और वो कारण को समय के बाद ही हमें समझ में आता है, और जब हमें समझ में आता है वो समय तभी होता है जब वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए होता है, क्योंकि इस अर्थ पे वही चीजें काम करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। तो आपके पास चाहे कितना भी समय है, या जितना भी समय है, या जिस समय सीमा में आप बंधे हुए हैं चीजों को करने की, जहां पर आप पूरा जो बड़ा व्यू है चीजों का देख नहीं पाते, किसी पजल को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो भी आपके सिस्टर आपसे यही कह रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप खुद पे बिलीव करना होगा, और आप हर चीज को, हर काम को कर सकते हैं, चाहे आप समय सीमा में कितने भी बंधे हुए हों, चाहे आप खुद को लिमिटेड मानते हो, लेकिन आपके
अंदर जो पोटेंशियल है, योग्यताएं हैं, आपके गुण हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एनर्जी से आते हैं। डोंट बी अफ्रेड। तो हम चाहते हैं कि आप किसी भी चीज से डरे नहीं, और ना ही आप ये सोचें कि आप अकेले हैं, क्योंकि वो आपके साथ हर मोड पे हैं। आई एम सो मच बेटर नाउ। तो अब वो, तो एक्चुअली ये जो मैसेज है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज का है जो कि करंट चैलेंजेस से आती है आपके, इनकी अभी इस टाइम पीरियड में आप जो भी प्रेजेंट मोमेंट में चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, या आप एक इंटरनल स्ट्रगल में हैं, आंतरिक जो आपके अंदर उथल पुथल जो मची हुई है, आप अपने आप से एक जंग लड़ रहे हैं, ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो आइडिया था या थॉट था, अचानक ही मेरे माइंड में स्ट्राइक किया है, इसलिए ये वीडियो छोटा भी होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये अचानक ही किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊं, लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले, इनके उसके लिए कार्ड निकालने से पहले ही फिर से अगेन सामने ये कार्ड आ गया। तो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके कोई जो एंसेस्टर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, या आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं आपके लिए, वो आपको ये देना ही चाहते थे कि अब वो बेटर महसूस कर रहे हैं। जब उन्होंने आपको ये मैसेजेस दे दिए हैं, तो वो बेटर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, या आपको कुछ चीजें समझाना चाहते थे जो कि वो नहीं समझा पा रहे थे, या फिर आप उनकी वो बातें नहीं सुन पा रहे थे। तो अब उनको भी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग मिली है आपके लिए कि आपको कैसे गाइड करना है आगे, और अब आपको भी पता है, अब उनके अंदर वो दर्द नहीं है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आपके दर्द से वो दुखी थे, और आपको लविंग साइन नेचर के थ्रू भेज रहे थे, क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और अगर आप उनको याद करते हुए या अपनी परेशानियों को याद करते हुए रोई भी हैं, तो भी आपके लिए वो चीजें काम करेंगी पॉजिटिव वे में ही। इसलिए आपको ज्यादा किसी चीज को अपने अंदर नहीं सोचना है। थैंक यू सो मच मिस्टर। सीक गॉड ओनली। तो आपसे आपके सिस्टर कह रही हैं, सिर्फ ईश्वर के साथ ही जुड़ के रहिए, और जब भी आपको मदद की जरूरत हो तो आप ईश्वर से ही मदद मांगिए। इसलिए मैं भी आप लोगों को यही कहती हूँ कि किसी तरह के रिचुअल, किसी तरह की चीजों में नहीं पड़िए। जब जरूरत होगी, बहुत जरूरत होगी, मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है। और साथ ही साथ आपको जब ये लगता है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो भी आपको ईश्वर से ही जुड़ने की, या ईश्वर का रास्ता देखने की, या उसका ही दर्द देखने की जरूरत है। ये जो मैं कार्ड का डेक है, ये सिर्फ डायरेक्ट चैनल मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से जो मैंने बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। माई लाइट इज शाइनिंग ऑन यू। तो आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपकी ना सिर्फ मदद कर रहे हैं, बल्कि आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप अच्छी चीजों को ही सोचे, और हमेशा ही आप अच्छी एनर्जीज में रहें। यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, गुड और बैड। तो आप और वो एक जैसे ही हैं, तो ना तो आप ईश्वर से, और ना ही अपने आप उनसे आप कुछ छुपा सकते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। वो आपकी सब बातें समझते हैं, चाहे आप उनसे कहें या ना कहें, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं। थैंक यू सो मच। I am not allowing anyone to make changes in your destiny, North Node. Thank you so very much, dear divine. तो जहाँ पे वो है, वहाँ पे वो टाइम बाउंड नहीं है, वहाँ पे उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड उनके पास में सोर्सेज या रिसोर्सेज हैं। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं इस धरती पे रहने वाले लोगों को, कि वो आपकी डेस्टिनी के अंदर, आपके भाग्य के अंदर, या फिर आपके नॉर्थ नोड में चेंज कर सके, क्योंकि ये सिर्फ समय का खेल है, जो कि आप सब कुछ चीजें चल रही हैं। इसलिए आपसे वो कह रहे हैं कि अपने आप पे विश्वास करो, और इस चीज को समझो कि अगर कोई चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो, किसी पहेली को, किसी पजल को अगर तुम सुलझा नहीं पा रहे हो, या कुछ चीजें समझते नहीं हो, तो भी डरना नहीं है, तो भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और मैं तुम्हारी डेस्टिनी को, तुम्हारे नॉर्थ नोड को, भाग्य को बदलने नहीं दूंगा, या नहीं दूंगी। कोई भी हो सकते हैं मेरे लिए। गॉड इज फिल इन द ब्लैंक। तो आपके लिए ईश्वर क्या है, ये आपको खुद ही अपने लिए भरना होगा। वो चाहते हैं आपके एंसेस्टर कि आप ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, उसको आप देखें और समझें, और भी ज्यादा करीब से जानें। यानी कि ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को आप और भी ज्यादा मजबूत कीजिए, और वो यही चाहते हैं कि आप किसी और चीज पर डिपेंडेंट ना हो। कटिंग नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ इज योर चॉइस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए वो आपको सॉरी कह रहे हैं, इसलिए वो आज चाहते हैं कि आप उन्हें माफ करें। आपके जस्ट आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ चीजों की चॉइसेस, या
कुछ चीजों को चुनना या कुछ चीजों की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, उसमें वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन चीजों में उनको चुप रह जाना पड़ता है। चाहे वो आपके लिए कोई ऐसे रिश्ते हो जिनको आपको छोड़ना हो, या फिर आपको अपनी कुछ चॉइसेस बदलनी हो, अपने कुछ चुनाव ऐसे करने हो जिसमें आपको अच्छा या बुरा सोचने में भी आपको अच्छा या बुरा कुछ चुनना हो, तो आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी किस तरह से निकालनी है और क्या चीजें आपकी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक चीजें लेकर आती है, नकारात्मक भाग्य लेकर आती है, या ऐसी चीजों की तरफ आपको लेके जाती है जिससे नेगेटिविटी बढ़ती है, तो वो आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको काटें, और उस चीज में वो आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं वहां पर आप अपनी लर्निंग लेसन भी ले रहे हैं, इस धरती पर, इस अर्थ पर आप सीख भी रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से सीखें, और उसमें वो आपके जो क्लासरूम में पढ़ाई चलती है, इस अर्थ पे आपकी पढ़ाई चलती है, उस हर चीज में वो आपको इंटरफेयर आपकी हर उस चीज में वो इंटरफेयर या दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां और अपने चुनाव सोच समझ कर निभाएं या देखें। यू आर फ्री टू मेक चॉइसेस बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस, थिंक ट्वाइस। तो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी चॉइसेस करने के लिए फ्री हैं, चुनाव करने के लिए फ्री हैं, लेकिन आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम होते हैं उसके लिए फ्री नहीं हैं, इसलिए सोच समझ कर अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप नेगेटिविटी को कट कर सकते हैं, और आपको किसी भी चीज को ईश्वर से अच्छे बुरे को छुपाने की जरूरत नहीं है, हर चीज को सोच समझ कर, दो बार सोच समझ कर कीजिए और सही तरीके से कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस में आता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर वीक हार्ट एंड सोल, इसलिए तो आपके एंसेस्टर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में मैसेज दे रहे हैं, चैनल मैसेज और कार्ड डेक में डोंट बी अफ्रेड के लिए क्लैरिफिकेशन आया है। स्पिरिचुअलिटी जो है कमजोर दिल और दिमाग वालों के लिए, कमजोर आत्माओं के लिए नहीं होती है, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसी ही होती हैं या होंगी जहाँ पे स्पिरिट रियल बिल्कुल रियल है, और वो उस जगह पे ही है जो कि आपको अपनी बात कह रहे हैं। आप ये देखेंगे कि स्पिरिट रियाम्स, जितने भी स्पिरिट रियाम्स हैं वो रियल होते हैं, ये बात तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, इस बात को तो मैं भी बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो ये बहुत प्यारे मैसेजेस दिए हैं आपके एंसेस्टर्स ने आपको। तो यहाँ कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा मैं बना ही रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रेटिव भाई, क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ फोकस करें, और ये भी समझें कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए ईश्वर की एनर्जीज पर डिपेंडेंट रहें, यानी कि आप ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करें कि ईश्वर आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने के लिए मदद करे, और ये विश्वास करें कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी चुनते हैं या चुनेंगे वो पूरी तरह से आपकी सही चॉइसेस से आएगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होंगे कि क्या होंगे, इसलिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को भी जरूर देखिए। कुछ कुछ मामलों में आप में से कुछ लोगों को किन्हीं चीजों को टोटली रिलीज या सरेंडर कर देने की जरूरत है, यानी कि अपने मैनिफेस्टेशन को पकड़ने की बजाय उसको छोड़ देने की जरूरत है कि अपने आप होगा, और इस चीज से ही आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। कुछ लोगों के लिए आपको ये बैलेंस लगातार बनाकर चलने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। रोमांस का यहाँ पे कार्ड है, तो आप अपने आप से और ज्यादा प्यार कीजिए, और इसलिए आप जो भी चुनते हैं, चाहे किसी रिश्ते को चुने चाहे किन्हीं लोगों को चुने, आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और होंगे, क्योंकि आप अर्थ पे हैं, और इसलिए आपसे कहा गया है जो कुछ भी चुनिए, चाहे कोई प्यार के नाम पर आपकी चीजें चेंज करने की कोशिश करे, चाहे कोई रिश्ते के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर, वो ऐसा कोई काम नहीं अलाउ करेंगे जिससे कि आपकी डेस्टिनी और नॉर्थ नोड चेंज हो, लेकिन आप जो भी चुनेंगे उसके परिणाम होते हैं या होंगे, इसलिए सोच समझ कर ही आपको चुना। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए नेचर का और एंचेंटमेंट का। नेचर का कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये पहले लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस नेचर को एंजॉय कीजिए, या फिर आपका जो स्पिरिचुअलिटी वाला नेचर है उसको बना के रखिए, ठीक है। मिरेकल्स, तो आप मिरेकल्स की उम्मीद कर सकते हैं, या मिरेकल्स आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएंगे जब आप अपने मैनिफेस्टेशन में एक बैलेंस एनर्जी में होंगे। फ्रेंडशिप, रोमांस, नेचर, तो अपनी अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए
ऐसी एनर्जीज में रहिए जहाँ पे आप प्यार के लिए और रिश्तों के लिए ओपन हो, और अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा चीज़ों को बदलने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और ये ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए जो भी हीलिंग आपको मिलनी होगी या जो भी आपके मैसेजेस आपके एंजल्स ने सुनने होंगे वो जरूर सुनेंगे और आपके प्रेयर्स के आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद को हील करने की भी जरूरत है। तो होप ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, छोटे से प्यारे से मैसेजेस आपके सिस्टर की फैमिली, और जो भी हेल्प मिली हो मुझे बहुत खुशी होगी। अचानक से ये थॉट आया था, आप में से कुछ लोग या तो याद कर रहे थे या फिर वो अच्छा महसूस करना चाहते थे आपके एंसेस्टर आपको ये चीज़ें बता के, और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं इस मैसेज के जरिए कि आप ये नहीं सोचिए कि स्पिरिट रियाम रियल नहीं है या वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, करता नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके एंसेस्टर के पास में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनकी जो नॉलेज का एरिया है बहुत वाइड है, बड़ा है। और आप उन पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इवनिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है, और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उछटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है कहता है बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।